आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बीजेपी ने उत्तराखंड में भी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कुमाऊं में 3 दिन के दौरे पर पहुंचे और उधर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता दौरा कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में कई योजनाओं की शुरुआत भी की है। ऐसे में जनरल वीके सिंह बद्रीनाथ के दौरे पर हैं तो जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल भी देहरादून में कल से ही है। आज उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को गिनाया और दावा किया कि प्रदेश के 47% घरों के नलों में पानी पहुंचा दिया गया है। रुद्रपुर के वरिष्ठ बीजेपी नेता विकास शर्मा और धीरेन्द्र मिश्रा ने शहर के बराट एनक्लेव में नगर निगम की तरफ से बनाई जा रही 1 किलोमीटर डामर रोड के निर्माण का नारियल फोड़ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीजेपी नेता विकास शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार में विकास धरातल पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिर्फ घोषणाएं ही नहीं कर रहे बल्कि योजनाओं को धरातल पर भी उतार रहे हैं। महज 3 महीने के कार्यकाल में ही सीएम धामी ने ऐतिहासिक फैसले लेकर दिखा दिया है कि मजबूत इच्छा शक्ति खुद तो कुछ भी असंभव नहीं है। 24,000 सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही युवाओं के लिए भर्ती शुल्क माफ करके बड़ी सौगात दी है। रुद्रपुर की नजूल भूमि की सबसे बड़ी समस्या भी मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों से हल होने जा रही है। ऐसे में सीएम धामी के आदेश पर कैबिनेट में नजूल भूमि पर प्रस्ताव पारित होने के बाद जल्द नई नजूल नीति लाने पर भी काम चल रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि धामी सरकार में कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं रहेगा और हर वर्ग को हर घर तक विकास की किरण पहुंचेगी। आज बराड़ नगर इंक्लेव की रोडों का उद्घाटन किया माननीय पुष्कर सिंह धामी। लगातार विकास की कार्य की गंगा को बहा रहे हैं। हमारे मेयर रामपाल जी लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। नगर निगम के माध्यम से बराड़ कॉलोनी की सभी सड़कों का आज निर्माण कार्य शुरू हो गया है और लगभग 1 किलोमीटर की सड़कें हैं जो बनने जा रही हैं। पूरे विधानसभा के अंदर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। हमारे मेयर रामपाल जी भी लगातार क्षेत्र की सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने तपस्या विहार के अंदर भी सड़कों का निर्माण शुरू कराया, उससे पहले फुलचुंगी में भी कराया, अभी आवास विकास के अंदर भी सड़कों का कार्य चल रहा है। तो जहाँ जहाँ भी अभी प्रीत विहार लोक विहार के अंदर भी सड़कों का कार्य होना है तो जहाँ जहाँ भी आवश्यकता लग रही है हम लोग नगर निगम के माध्यम से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से सड़कों का कार्य कर रहे हैं। मैं क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलवाता हूँ कि शहर की कोई भी ऐसी सड़क नहीं रहेगी जो ठीक बनेगी और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा योजना चलाई जा रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा और जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देहरादून के डोईवाला विधानसभा के मंडल की आज बैठक हुई जिसमें जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर और डोईवाला विधानसभा प्रभारी संदीप गुप्ता वर्तमान में पार्टी के कार्यक्रम में चल रहे दीवार लेखन कार्य की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। सभी मंडल अध्यक्षों से उनके संबंधित बूथ पर कार्य की जानकारी भी ली गई और ऐसे में मुख्य रूप से 7 से 15 अक्टूबर तक दीवार लेखन के कार्य की समीक्षा भी की गई। जो मुख्य लक्ष्य है अब की बार 60 के पार का जो नारा प्रदेश नेतृत्व ने दिया हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आसान्वित है, उत्साहित है कि अपनी पार्टी को पिछले लक्ष्य से ज़्यादा सीटों को जिताने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जो पार्टी के दिए हुए कार्य हैं जैसे बूथ लेखन का कार्यक्रम है, आज जिसका मेगा इवेंट हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं 7 तारीख से 15 तारीख तक के बीच जो बूथ लेखन प्रत्येक बूथ में होना है, उसके बाद प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम है, उसके बाद घर घर भाजपा हर घर भाजपा का कार्यक्रम है, अनेकों कार्यक्रम जो पार्टी देती है हमारा कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष मंडलों में निवास करने वाले कार्यकर्ता उस कार्यक्रमों को मानते हुए उसको करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा दीवार लेखन का कार्यक्रम 7 अक्टूबर से
शुरू हुआ है 15 अक्टूबर तक जो चलेगा, हर बूथ पे पांच पांच दीवारें हमको लिखनी है, जैसे घर घर भाजपा, हर घर भाजपा। तो आज उसका बड़ा इवेंट है हमारा कि सब जगह हम बहुत बड़ी मात्रा में हर बूथ पे आज उसको लिख रहे हैं। तो उसी के तहत आज का ये हमारा कार्यक्रम था जिसमें हमारे चारों मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ पर आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता भी एक प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मुख्यमंत्री बन सकता है। तो सभी लोग इस बार कार्यकर्ता जी जान से हमारे लगे और बूथ स्तर पर हमारी अच्छी योजना बने। इसी के तहत हम बहुत जल्दी हर बूथ के लगभग 10-10 लोगों की सूची बना रहे हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, कोई उसमें टीचर हैं, उसमें प्रबुद्ध जो लोग हैं। लगभग 2000 लोगों का प्रबुद्ध सम्मेलन हम 20 तारीख के आसपास करने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के क्रीड़ा मैदान गोपेश्वर पहुंचे, जहां पर पुलिस के जवानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गॉड ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया। ऐसे में बता दें, वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चमोली आगमन पर सीएम का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद सीएम ने पीजी कॉलेज के जिम हॉल में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति में शिरकत की। सीएम के साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी वहाँ पर मौजूद रहे। डोईवाला में आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सरकार बनने पर बिजली फ्री की पहली गारंटी के बाद दूसरी गारंटी के रूप में रोजगार अधिकार सभा में रोजगार उपलब्ध कराने की बात कहते हुए रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। इस कार्यक्रम के तहत डोईवाला विधानसभा के केशवपुरी में दिल्ली के विधायक और उत्तराखंड आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कार्यक्रम में बेरोजगारों के रोजगार गारंटी कार्ड के रजिस्ट्रेशन कार्य का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार पर घर घर रोजगार, तब तक हर महीने 5000 बेरोजगारी भत्ता देने और 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी देने, नौकरियों में उत्तराखंड वासियों को 80% आरक्षण देने की बात कही। कार्यक्रम संयोजक आप नेता राजू मौर्य ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस बीजेपी से आम जनता तंग आ चुकी है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि उत्तराखंड में प्रत्येक बेरोजगार युवा को हम सब आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही नौकरी देंगे, और जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती तब तक 5000 रुपये भत्ते के रूप में देंगे। उसी प्रक्रिया को आज हम शुरू कर रहे हैं डोईवाला विधानसभा में, और रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है, जो गारंटी कार्ड है, वो हम प्रदान कर रहे हैं लोगों को, जिसमें कि उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इस कार्ड को बनाएगा उसको जॉब में भी, साथ ही साथ जो भत्ता है, दोनों में प्रेफरेंस देंगे। आपने कहा, हमारा ये मानना है कि हमेशा किसी भी चीज़, किसी भी पार्टी को आप देखते हैं तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसका पिछला इतिहास होता है। अब दोनों पार्टियों का पिछला 10-10 साल का इतिहास है जो कि उत्तराखंड की जनता देख चुकी है। साथ ही साथ दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसने 5 साल के अंदर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बाकी सारी विषयों पे काम करके दिखाया है। हम ये चाहते हैं कि जैसा दिल्ली के अंदर हुआ वैसे ही उत्तराखंड में भी होना चाहिए। यहाँ पर भी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की समस्याएं हल होनी चाहिए, और जिस प्रकार से प्रदेश की जनता हमें प्यार और आशीर्वाद दे रही है, मुझे लगता है कि 2022 का चुनाव जो है वो बहुत ही रोमांचक रहेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर चमोली पहुंचे। चमोली पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। पीजी कॉलेज गोपेश्वर के जिम हॉल में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने शिरकत की और अपने बीच युवा मुख्यमंत्री को पाकर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं में खासा जोश भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए युवाओं को पार्टी की रीढ़ बताया है और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी भरा। उन्होंने इस कार्य समिति की बैठक से युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि जन जन तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचे ताकि सभी को इसका लाभ भी मिल सके। आज युवा मोर्चे की प्रदेश की कार्य समिति ईश्वर में यहाँ हुई है। देखिए, वर्तमान समय में चुनाव की दृष्टि से सब बात करते हैं तो जनता पार्टी मजबूत आधार बनता है और एक अच्छा वातावरण है, मजबूत संगठन है। जनता के बीच में 5 साल तक मैंने 5 साल के बड़े काम किए हैं, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में। सरकार पारदर्शी सरकार रही है,
ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ हमारे पास दुनिया का सबसे मजबूत नेता जो हमारा नेतृत्व कर रहा है नरेंद्र मोदी जी हमारे पास है। तो इस सब के आधार पर हम लोग 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करें इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े और आज हमने युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया है। किसी भी प्रदेश हो या देश हो उसमें उसके परिवेश में चाहे कोई युग रहा हो उसमें युवा नौजवान की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। चाहे राम का युग रहा हो चाहे भगवान कृष्ण का युग रहा हो हर युग और चाहे हमारा उत्तराखंड बना है उसमें भी नौजवानों ने उत्तराखंड बनाने का काम किया। और निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारा 25 साल का जब ये प्रदेश होगा तो हर क्षेत्र में ये देश का अग्रणी प्रदेश होगा, आदर्श प्रदेश होगा, नंबर वन प्रदेश होगा, उसके लिए मैं युवाओं का आह्वान कर। नगर महिला कांग्रेस डोईवाला की तरफ से डोईवाला गुरुद्वारे प्रांगण में महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें 30 कामकाजी महिलाओं को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कांग्रेस महिला सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने कहा कि नवरात्र के मौके पर महिलाओं का सम्मान करना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाएं जो अपने दम पर अपने परिवार का पालन पोषण कर समाज में एक मिसाल पेश और कायम भी कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को सम्मानित कर कांग्रेस उनका उत्साहवर्धन कर रही है जिससे कि उनमें और ज्यादा ऊर्जा का संचार हो सके और वो प्रदेश और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे पाए। कार्यक्रम का संचालन महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष आरती वर्मा ने किया था। तो आपको बता दें डोईवाला में ये कांग्रेस की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें आरती वर्मा ने इस कार्यक्रम का संचालन किया और ऐसे में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और महिला की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस नवरात्र के मौके पर इस तरह का कार्यक्रम कर महिलाओं में जोश और उत्साह भरने का काम कर रही हैं। आज हमने महिला सम्मान समारोह रखा है और ये उन्हीं महिलाओं के लिए रखा है जो अपने पैरों पे खुद स्टैंड हैं, जो अपने परिवार को खुद चला रही हैं और अपने घर का पालन पोषण सिर्फ अपनी कमाई से और अपनी मेहनत से कर रही हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है इनको सम्मानित करने का, इनको हम सम्मान देकर ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हर महिला को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए और अपना घर परिवार खुद से भी चलाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने हमारे घर के जो हमारे पति हमारे भाई सब करते ही हैं लेकिन महिला को भी है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और बेस्ट दें अपनी लाइफ में और सब कुछ करें जो हमें लगता है कि महिला नहीं कर सकती उसमें भी अपनी सहभागिता दें। मैं ये कहना चाहूँगी कि नौ दुर्गे के दिन चल रहे हैं तो हमें जो है समाज की जो महिलाएं हैं जो मुख्य धारा से पिछड़ रही हैं उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। नौ दिन जो है दुर्गे के जो है सभी व्रत रखते हैं लेकिन इस आशा के साथ इस उम्मीद के साथ कि हम उस महिलाओं को जो कि कामकाजी महिलाएं हैं जो कि एक मेन स्ट्रीम से पिछड़ गई है तो उनको जो है आगे लाने का काम करें, उनको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम आज हमने किया है। इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को उचित स्थान मिले समाज में और ताकि जो है देश की प्रगति में और राज्य की प्रगति में महिलाओं का योगदान जो है बढ़ चढ़ के। नैनीताल के हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं समाहंग कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत बचदा की जयंती में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने बच्ची सिंह रावत की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उत्तराखंड के लिए उनकी तरफ से किए गए कई महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा की। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बचदा की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए पार्टी कार्यालय में जन समस्याओं को भी सुना और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के सामने दर्जनों लोग अपनी समस्याएं लेकर पार्टी कार्यालय पर पहुंचे जहां केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने समस्याओं के निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन पर ही निर्देश भी दिए।
तो ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों की वहां पर समस्या सुनी और बच्ची सिंह रावत की फोटो पर माल्यार्पण भी किया। उनकी जयंती के मौके पर वहां पर के पहुंचे थे नैनीताल में, जहां पर माल्यार्पण किया गया और ऐसे में जो वहां पर लोग मौजूद थे उनकी समस्याएं भी सुनी और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए फोन पर ही अधिकारियों को तुरंत ही निर्देश भी दिए गए ताकि इन सभी की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। राज्य मंत्री नैनीताल पहुंचे थे जहां पर उन्होंने बच्ची सिंह रावत की फोटो पर माल्यार्पण किया और ऐसे में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बच्चुदा की जयंती पर उन्हें नमन किया और माल्यार्पण किया उनकी फोटो पर और पार्टी कार्यालय में जन समस्याओं को भी उन्होंने सुना और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के सामने दर्जनों लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर वो पार्टी कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याएं केंद्रीय राज्य मंत्री के सामने रखी, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने समस्याओं के निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन पर ही दिशा निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द इन सभी लोगों की समस्याओं को सुलझाया जा सके और जो समस्याएं इन्हें काफी समय से आ रही थी उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। तो नैनीताल में केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे जहां पर बच्ची सिंह रावत की फोटो पर उनकी जयंती के मौके पर माल्यार्पण किया और ऐसे में वहां कार्यालय पार्टी कार्यालय के बाहर दर्जनों लोग मौजूद थे जो अपनी समस्याओं को लेकर उनके सामने पहुंचे। तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से लोगों की समस्याओं को वो सुनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही तस्वीरों के जरिए साफ पता चल रहा है कि फोन के जरिए उन्होंने बड़े तमाम अधिकारियों को वहां पर दिशा निर्देश दिए ताकि इन सभी की समस्याएं जो कुछ भी हैं उनको जल्द से जल्द ही सुलझाया जा सके और ऐसे में जल्द से जल्द उन सभी की समस्याओं का निस्तारण भी किया जा सके। दरअसल पहाड़ी इलाकों में ऐसे में नैनीताल हो या कुमाऊं हो, वहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं लेकिन उनकी परेशानियों का निस्तारण नहीं किया जाता समय से। वो कार्यालय के अधिकारियों के चक्कर भी लगाते नजर आते हैं लेकिन समस्याएं उनकी सुलझती नहीं हैं। इसीलिए केंद्रीय मंत्री ने जो है वो उनको फोन पे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द इन सभी की समस्याओं का निस्तारण हो सके। चमोली के केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री भारत सरकार जनरल वीके सिंह बद्रीनाथ धाम पहुंचे जहां उन्होंने भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन कर उत्तराखंड और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की मन्नतें भी मांगी। बद्रीनाथ धाम हेली से वीके सिंह के पहुंचने पर बीजेपी के गढ़वाल सांसद प्रतिनिधि किशोर पवार ने पार्टी की ओर से उनका स्वागत सत्कार भी किया, साथ ही उनको सीमांत क्षेत्र की समस्याओं और मांगों से रूबरू भी कराया। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से वीके सिंह चमोली पहुंचे और वहां से बद्रीनाथ धाम वो पहुंचे और बद्रीनाथ धाम में उन्होंने दर्शन किए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीमांत क्षेत्र की समस्याओं और मांगों से उन्हें लोगों ने रूबरू भी कराया। साथ ही पार्टी के वहां के विधायक प्रतिनिधि किशोर पवार ने पार्टी की ओर से उनका स्वागत सत्कार भी किया, साथ ही वहां के इलाके की जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनसे भी जनरल वीके सिंह को अवगत कराया। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं जिस समय वो वहां पर पहुंचे तो ऐसे में किस तरह से उनका स्वागत किया गया, तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे और ऐसे में वहां के सांसद प्रतिनिधि भी पहुंचे थे और जनरल वीके सिंह का स्वागत उनकी तरफ से किया गया था। ऐसे में बद्रीनाथ धाम पहुंचकर उन्होंने दर्शन भी किए। उत्तराखंड पुलिस ने इन दिनों प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों से जुड़ने का बीड़ा उठाया हुआ है। चमोली पुलिस की तरफ से जिले की सीमांत
मलारी घाटी में उत्तराखंड पुलिस बॉर्डर विकास उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चमोली पुलिस अधीक्षक ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ब्लॉक प्रमुख हरीश परमार ने किया। स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर स्वागत गीत के साथ अतिथियों का स्वागत किया। वहीं घाटी के युवाओं ने क्रिकेट, वॉलीबॉल, चेस, कैरम आदि के कई खेलों में भाग लेकर खेलों का भी आनंद लिया। इस दौरान पुलिस और जिले के कई विभागों की तरफ से प्रदर्शनी लगाकर ग्रामीणों को जानकारियां भी दी गई। तो तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर हरीश परमार ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस अब लोगों से जुड़ने का जो है वो बीड़ा उठा रही है और ऐसे में पुलिस बॉर्डर विकास उत्सव का यह आयोजन किया गया जहां पर वहां पहुंचे लोगों ने कई खेलों में भाग भी लिया और अपना जो है प्रदर्शनी लगाकर ग्रामीणों को जानकारी भी दी गई। तो आपको बता दें हरीश परमार ने जो है कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उत्तराखंड पुलिस बॉर्डर विकास उत्सव का यह आयोजन किया गया। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से वहां पर खेलों का आयोजन किया और ऐसे में वॉलीबॉल, क्रिकेट, कैरम जैसे खेलों में लोगों ने भाग लिया। साथ ही वहां के लोगों ने प्रदर्शनी भी लगाई और ऐसे में वहाँ के ग्रामीणों को जानकारियाँ भी दी गई। साथ ही लोक गीत गाकर वहाँ की वेशभूषा पहनकर अतिथियों का स्वागत भी किया गया। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।